सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स लैब रेट्स के हिसाब से जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स लैब रेट्स क्या है सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के टैक्स लैब रेट्स मेंशन किए हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख रुपए से 5 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स, और अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर है तो 30% का टैक्स लागू होगा। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख के इनकम पे 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख के इनकम पे 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स, और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख के ऊपर है तो 30% का टैक्स लागू होगा। और इस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा डिफरेंट टैक्स लैब रेट्स को लेकर, जो कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये टैक्स लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होने वाला है जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। अब ये दोनों ही टैक्स रेजिम में से आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ, देखते हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम देखने वाले हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी उम्र 60 इयर्स से लेकर 79 इयर्स है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। यहाँ पे आपको इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस को मेंशन करके आपका कितना टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। समझो अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है तो हम यहाँ पे 8 लाख रुपीज मेंशन करेंगे। जैसे ही हम एंटर पे प्रेस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स मेंशन नहीं किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 8 लाख रुपीस होती है। अब ये टैक्सेबल इनकम पे आपका स्लैब वाइज इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको टैक्स रिबेट मिलेगा या नहीं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा टैक्स रिबेट का भी अमाउंट मेंशन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे जाती है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 12,500 रुपए। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हो और अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या फिर उससे नीचे रहती है तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का टैक्स का रिबेट मिलेगा, जिसकी मदद से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो वाले एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्लैब वाइज डिटेल्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो क्विकली मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्लैब 5% के हिसाब से 3 लाख से लेके 5 लाख के इनकम पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। अभी कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे आपका जो 3 लाख से लेके 5 लाख की इनकम है यानी कि 2 लाख रुपए की इनकम हो गई, उस पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। तो हम ये 2 लाख रुपीस का अमाउंट मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 रुपीस का आपका स्लैब 5% का इनकम टैक्स होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्लैब 20% कैसे कैलकुलेट हुआ है, 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन आपकी सालाना इनकम जो है वो 8 लाख रुपीस है। जैसे कि आप देख सकते हो टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपीस है, तो यहाँ पे 5 लाख से लेके 8 लाख रुपीस के बीच में आपको 20% का टैक्स देना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, तो 5 लाख और 8 लाख के बीच में 3 लाख रुपीस की इनकम होती है, तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपीस को मेंशन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 60,000 रुपीस का टैक्स होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके अलावा स्लैब 30% जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आपकी जो सालाना इनकम है वो 10 लाख के नीचे है। तो यहाँ पे स्लैब 30% जो है वो 0 मेंशन किया गया है। तो ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 70,000 रुपीस का आपका स्लैब वाइज जो है वो इनकम टैक्स होता है।
अब ये 70,000 रुपीज पे आपको 4% का सेस देना होगा। तो यहाँ पे हम 4% भी कैलकुलेट करेंगे 70,000 पे, तो यहाँ पे 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,800 रुपीज आपका सेस ऑफ 4% होता है। तो ये सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे स्लैब वाइज जो आपका इनकम टैक्स हुआ है और उसके अलावा सेस ऑफ 4%, तो आपका इनकम टैक्स होता है 72,800 रुपीज ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जब आपने कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है। उसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका स्लैब वाइज, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे डिटेल्स हैं जहाँ पे ये जो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ये जो इनकम टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको कंसिडर करके। तो आपका यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 36,400 का इनकम टैक्स होता है, जो कि कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, और इसी के वजह से आपको न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे। अब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हम ₹50,000 मेंशन करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को अप्लाई करने के लिए, जो कि एप्लीकेबल होगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो टैक्सेबल इनकम आपकी 7,50,000 रुपीज हो गई, और इसी की मदद से आपका जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा सा और कम हो गया है स्लैब वाइज कैलकुलेशन करने के बाद। तो अब आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 31,200 का टैक्स होता है और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 62,400 रुपीज का इनकम टैक्स होता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब आपको ये जो टैक्स रिबेट है वो अप्लाई कब होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या फिर उससे नीचे रहनी चाहिए। अब ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको मदद करेगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ। तो वो कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो जानने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे समझो अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए जमा करते हो और एज इन्वेस्टमेंट क्लेम करते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, उसके अलावा NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपीज एडिशनली अगर आप क्लेम करते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख रुपीज और स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड करके आपका 2.5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस को भी क्लेम करते हो जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज, इसके अलावा अगर आपका HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का कॉम्पोनेंट है, या फिर अगर आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन आप पे करते हो जिसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24 के अगेंस्ट, तो समझो अगर आप एडिशनली 50,000 रुपीज और क्लेम कर सकते हो जिसकी मदद से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपीज मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हम जैसे ही 3 लाख रुपीज एज अ इन्वेस्टमेंट मेंशन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज हो गया, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम अब हो गया है 5 लाख रुपीज, 8 लाख में से 3 लाख रुपीज एज अ इन्वेस्टमेंट आपने क्लेम किया है। तो 5 लाख रुपीज पे आपका स्लैब 5% के हिसाब से 10,000 रुपीज का इनकम टैक्स होता है, लेकिन क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है, 5 लाख या फिर उससे नीचे की इनकम पे आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है 10,000 रुपीज का, जो आपका टैक्स बन रहा था, और इसी की मदद से आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करके डिडक्शंस को क्लेम करते हो, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 5 लाख या फिर उससे नीचे होनी चाहिए, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख के नीचे होनी चाहिए। तो समझो अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपीज है और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिल गया, तो टैक्सेबल इनकम हो जाती है आपकी 7 लाख रुपीज, जिसकी मदद से आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट मिलेगा 25,000 रुपीज का, और इसी की मदद से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब आपका टैक्स रिबेट एप्लीकेबल होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब इसके अलावा आप ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन के नंबर्स जो हैं उनको वेरीफाई भी कर सकते हो, तो मेरी वेबसाइट पे आप मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम
इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके जान सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करते हैं। योर एज 60 ईयर से लेके 80 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, 80 ईयर्स एंड अबव। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो तो आप ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पेंशनर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसकी मदद से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर पेंशन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो समझो हमने 8 लाख रुपीज़ का एग्जाम्पल लिया था, उसी को ही लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने 8 लाख रुपीज़ मेंशन किया और नीचे स्क्रोल करेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो आप जान सकते हो। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स हुआ 62,400 रुपीज़ और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है 31,200 रुपीज़। और यही सेम चीज़ हमें एक्सेल कैलकुलेटर में भी मिली थी। यहाँ पे हम इनकम को वापस से 8 लाख रुपीज़ मेंशन कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको क्लेम करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 62,400 रुपीज़ ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 31,200 जो कि इस पर्टिकुलर नंबर के साथ मैच कर रहा है। और इस तरीके से आप ये वाला जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है मेरा वो आप यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो। तो डिडक्शंस का सेक्शन है वो आप यूज कर सकते हो। तो समझो सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप क्लेम कर सकते हो, तो वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके हिसाब से इनकम टैक्स कम हो गया है। इसके अलावा समझो अगर आपका NPS का अकाउंट है उसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हो, तो वापस से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम कम हो गया। ये सारे ऑप्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप हाउस रेंट को पे करते हो और समझो 50,000 रुपीज़ क्लेम करते हो, तो यहाँ पे हम HRA का जो कंपोनेंट है उसको मेंशन करते हैं, तो आपका जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो गया। और इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इस कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा और भी कई सारे मैंने कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हो, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट का कैलकुलेटर, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट का भी कैलकुलेटर मैंने बनाया है, और बहुत ही पॉपुलर स्कीम जो कि आपके लिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसका भी कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अगर आपको ये सारे स्कीम्स के इंटरेस्ट जानने हैं। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। आप कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप अपने मोबाइल डिवाइस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैंने आपके लिए एंड्रॉयड ऐप बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ये ऐप आपको मदद करेगा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेसी TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।